हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्मोड़ा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने साथ अल्मोड़ा के भ्रमण पर लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शानदार हस्तशिल्प, स्वादिष्ट भोजन और सुंदर वन्य जीवन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन की यात्रा पर आने वाले जो भी टूरिस्ट होते हैं, वो इसकी खूबसूरती को देखकर अपने आप ही इस ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये बर्फ से ढके हिमालय का एक विहंगम दृश्य प्रदान करता है। हरे भरे सुंदर जंगलों से घिरा अल्मोड़ा हिल स्टेशन समुद्र तल से लगभग 1638 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है और कश्यप पहाड़ी के ऊपर लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। सुयाल और कोसी नदी के बीच 5 किलोमीटर लंबे घोड़े की पीठ के आकार की पहाड़ी पर ये बसा हुआ है और उस पहाड़ी को कश्यप के नाम से जाना जाता है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन के बारे में शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। इसकी खूबसूरती का जो असली अनुभव है, वो आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ की यात्रा करते हैं। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के जरिए आपको वहाँ के जो फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, उनके बारे में बताएंगे। आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं ये बताएंगे, वहाँ के लोकल फूड के बारे में जानकारी देंगे, ताकि आप भी जल्दी से जल्दी अल्मोड़ा को विजिट करने का प्लान बना ही लें। अब बात करते हैं अल्मोड़ा की हिस्ट्री के बारे में। अल्मोड़ा का इतिहास क्या है? अल्मोड़ा हिल स्टेशन को ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में विकसित किया गया था। यहाँ चंद वंश और कत्यूरी वंश ने 15वीं और 16वीं शताब्दी में शासन किया था। अल्मोड़ा चंद वंश की राजधानी के रूप में जाना जाता था और वर्तमान समय में अल्मोड़ा को कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अल्मोड़ा का एक शानदार इतिहास रहा है, जो कि यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और उससे जुड़े कई सारे पहलुओं को उजागर करता है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन में आपको घूमने के लिए कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है मिलेंगी, जहाँ पर लाखों की संख्या में टूरिस्ट जो है आते हैं। तो अब हम आपको उन्हीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी देंगे। तो अल्मोड़ा का एक बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो कहलाता है जीरो पॉइंट। तो जीरो पॉइंट जो है, वो एक वन्य जीव अभ्यारण्य का परिसर बिंदु है और यहाँ तक जाने के लिए आपको अभ्यारण्य परिसर से लगभग 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। तो ट्रैकिंग जो है वहाँ पर आप कर सकते हैं और साथ ही सुंदर सुंदर नजारों को जो है वहाँ से देख सकते हैं। दूसरा जो यहाँ का बेहद प्रमुख पर्यटन स्थल है, वो है जागेश्वर मंदिर, जिसको जागेश्वर घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर अल्मोड़ा में 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित 100 से भी ज्यादा हिंदू मंदिरों का एक समूह है। जागेश्वर मंदिर यहाँ के 124 मंदिरों में से सबसे बड़ा मंदिर है और जो भी अल्मोड़ा आता है ना, वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाता है। जागेश्वर मंदिर जटागंगा घाटी पर स्थित है और इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में किया गया था। अगर आप भी यहाँ की जो संस्कृति है उसको गहराई से जानने के इच्छुक हैं और पौराणिक मान्यताओं की जो खोज है उसमें आपको दिलचस्पी है, तो फिर ये जगह जो है आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप यहाँ आइए और कुछ पल जो है यहाँ पर जरूर गुजारिए। जागेश्वर में स्थित ज्यादातर जो मंदिर समूह है, जितने भी मंदिर है, वो भगवान शिव को समर्पित है और आसपास के जो मंदिर है वो भगवान विष्णु, शक्ति देवी और हिंदू धर्म के कई सारे अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। तीसरी डेस्टिनेशन जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो है कटारमल सूर्य मंदिर। अल्मोड़ा का कटारमल सूर्य मंदिर 800 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है और यहाँ के मुख्य मंदिर में 45 छोटे मंदिर स्थापित है। कटारमल सूर्य मंदिर बुरहदिता यानी सूर्य देवता को जो है समर्पित है और मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां भी स्थापित है। इसके बाद यहाँ का जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है, वो है कसार देवी मंदिर। तो अल्मोड़ा के एक गांव के पास स्थित कसार देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के प्रमुख दर्शनीय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर क्रैंक के रिज के रूप में भी प्रसिद्ध है और यहाँ पर आने वाले जो पर्यटक होते हैं, वो कसार देवी मंदिर में दर्शन के लिए
जरूर जाते हैं। इसके बाद जो पांचवा यहाँ का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है चितई मंदिर। चितई गोलू देवता मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो मंदिर है वो भगवान गोलू को समर्पित है और इस मंदिर का जो निर्माण है वो चंद शासन के दौरान किया गया था। मंदिर में भक्तों के द्वारा जो लटकाई जाने वाली घंटियां हैं वो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई भक्त की कोई मनोकामना पूरी होती है तो वो इस मंदिर में जो है एक घंटी जो है टांग देता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि मंदिर में कई लाखों घंटियां आपको जो है देखने को मिलेंगी और साथ ही यहाँ पर एक मान्यता ये है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है उसको आप कागज में लिख सकते हैं और लिखने के बाद इस मंदिर में जो है लगा सकते हैं और जब वो मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है तो फिर वहां पर जो है एक घंटी को आप चढ़ा सकते हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है बिनसर। तो अल्मोड़ा से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिनसर। ये एक छोटा सा गांव है और बेहद प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये देवदार के पेड़ों के हरे भरे जंगल, घास के मैदान और खूबसूरत मंदिरों के लिए जाना जाता है। समुद्र तल से लगभग 900 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पे आकर्षित स्थान बसा हुआ है और यहाँ पर आप ओक पाइन्स के जो पेड़ होते हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हरे भरे जंगलों में घूमने का शौक है, वहाँ पर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, कुछ टाइम प्रकृति के करीब होकर बिताना चाहते हैं तो फिर आपको बिनसर जरूर जाना चाहिए। इसके बाद सातवां यहाँ का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है डियर पार्क। तो डियर पार्क अल्मोड़ा जो मेन मार्केट है वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ पर आपको वन्य जीव देखने को मिल जाएंगे। प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए बेहद सुंदर डेस्टिनेशन है ये। यहाँ पर आप देवदार के हरे भरे वृक्ष देख सकते हैं और उनके बीच में घूमते हुए हिरण हो गया, तेंदुआ हो गया, काले भालू जैसे जानवर जो है आप देख सकते हैं। और इसके बाद आठवां यहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है दूनागिरी। तो दूनागिरी जो है वो कुमाऊं हिमालय में बसा हुआ है और एक छोटा सा शहर है जो कि पर्यटन के लिहाज से लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। अगर आप कुछ पल जो है शांति और एकांत में बिताना चाहते हैं तो फिर आपको दूनागिरी जरूर जाना चाहिए। नौवा जो यहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है ब्राइट एंड कॉर्नर। अल्मोड़ा में अगर आप सनराइज और सनसेट का नज़ारा देखना चाहते हैं तो फिर ब्राइट एंड कॉर्नर जो जगह है वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आप अल्मोड़ा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है आराम से पहुँच सकते हैं और ब्राइट एंड कॉर्नर में सनराइज और सनसेट का लुत्फ उठाने के अलावा आप यहाँ पर विवेकानंद एक पुस्तकालय है वहाँ पर भी जा सकते। इसके बाद दसवां आता है जलना। तो जलना जो है वो एक अल्मोड़ा का बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। एक शांतिप्रिय सा गांव है ये। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं और इसके अलावा जो है यहाँ की जो शांत वातावरण है वहाँ पर कुछ पल जो है फुर्सत के बिता सकते हैं। इसके बाद 11वां आता है द्वाराहाट। तो अल्मोड़ा में घूमने वाली जगहों में शामिल जो द्वाराहाट है वो खूबसूरत मंदिरों के लिए बेहद प्रसिद्ध है और काफी प्राचीन शहर है। यहाँ पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जिनका आप दर्शन कर सकते हैं और प्राचीन विरासत के साथ यहाँ पर धार्मिक महत्व का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान। इसके बाद बात करते हैं एडवेंचर। तो अगर आप कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज अल्मोड़ा में जाकर करना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ पर जाकर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग जो है आप काली शारदा नदी पर किया जा सकता है। वहाँ पर आप इसका दिल खोल कर मजा ले सकते हैं और राफ्टिंग के जो शौकीन लोग होते हैं वो अल्मोड़ा में आकर जो है यहाँ पर राफ्टिंग करना जरूर पसंद करते हैं। इसके अलावा एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सनराइज और सनसेट जहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइट एंड कॉर्नर, वहीं से कुछ दूरी पर जो है आपको गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय भी मिल जाएगा। तो यह जो संग्रहालय है वो कत्यूरी और चंद राजवंशों की जो विरासत है उसको समेटे हुए है। तो अगर आप उस बारे में जानना चाहते हैं, इसको देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर आप इस संग्रहालय में जरूर आइए। अब ये तो बात हुई कि अल्मोड़ा की जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी उनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप अल्मोड़ा जाने का प्लान बना रहे हैं तो किस समय आपको जाना चाहिए, मतलब कौन सा मंथ जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा सीजन बेस्ट रहेगा। तो हम आपको बता दें कि अल्मोड़ा की यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा जो टाइम है
वो गर्मी के दौरान का माना जाता है, मतलब मार्च और मई के बीच का टाइम है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ का जो वातावरण है वो बेहद शांतिपूर्ण भद होता है। देश के अन्य हिस्सों में आप उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और अगर आप गर्मियों से बचना चाहते हैं, कुछ टाइम अपना अच्छे ठंडे इलाके में बिताना चाहते हैं, तो फिर आप अल्मोड़ा जो है ज़रूर आ सकते हैं। वैसे तो आप अल्मोड़ा साल भर में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर हम पीक सीजन की बात करें तो फिर वो गर्मी का ही टाइम होता है जो यहाँ पे पीक सीजन होता है। उसके अलावा स्नोफॉल वगैरह के टाइम पर भी जो है यहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। इसके बाद बात आती है कि अगर आप अल्मोड़ा जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं। तो अल्मोड़ा में कई तरह के बाजार मौजूद हैं जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो बाजार है वहाँ का वो है लाला बाजार, जो कि राजाओं ने 200 साल पहले बसाया था। और यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर शॉल मिल जाएंगी, ज्वेलरी मिल जाएगी, अंगोरा कपड़ा मिल जाएगा और विंटर वियर मिल जाएंगे। उसके अलावा जो एक चौक बाजार है, दल धातु और तांबे की जो डेकोरेशन वाली आइटम्स होती हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं अल्मोड़ा में जो लोकल फूड है वहाँ का, मतलब वहाँ पर आप क्या क्या लोकल फूड जो है एंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप कुछ भी खाना जो है आपको वहाँ पर मिल जाएगा इजीली, लेकिन अगर आप वहाँ के लोकल फूड में इंटरेस्टेड हैं तो फिर आप क्या क्या वहाँ पर खा सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो अल्मोड़ा में आप भांग की चटनी और कफूली पानू बड़ी चैसू कंडाली का साग कुमाऊनी रायता आलू का झोल भटके डुबुक चंगोरे की खीर गुलगुला अरसा सिंगोरी इस तरह के जो मतलब खाने वाले आइटम्स हैं वो आप खा सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया स्वीट्स में बाल मिठाई खाना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा मिश्री भी मिलती है वो भी आप खा सकते हैं। इसके बाद हम बताते हैं आपको अल्मोड़ा में कहाँ आप रुक सकते हैं, मतलब कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। तो अल्मोड़ा में आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे लो बजट से लेकर के हाई बजट रेंज के जो होटल्स हैं आपको आराम से मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी तरह के होटल में यहाँ पर रुक सकते हैं। अब बात आती है अल्मोड़ा कैसे जाया जा सकता है, मतलब किस तरह से आप जा सकते हैं अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्मोड़ा के लिए फ्लाइट से मतलब अल्मोड़ा के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। इसके लिए आपको सबसे वहाँ का जो नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर एयरपोर्ट से अगर हम अल्मोड़ा की दूरी की बात करें तो वो 115 किलोमीटर है। इसके बाद आपको बताते हैं ट्रेन से आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो फिर जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, और वो भी अल्मोड़ा से लगभग 82 किलोमीटर है। फिर वहाँ से जो है आप बस या फिर टैक्सी के द्वारा जो है वहाँ से जा सकते हैं अल्मोड़ा। अब अगर आप जाते हैं बाय रोड, तो बाय रोड जाने के लिए तो आपको वहाँ से मतलब टैक्सी बस से भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अल्मोड़ा के बारे में अगर आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। इसी तरह नई नई जगहों के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल यूके वीडियो वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।